क्या हमें जानना है कि हम फिग्मा में कुछ इस टाइप के इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स के एनिमेशन करवा सकते हैं, वो भी इजीली इन फिग्मा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूआईजेम। आज हम कुछ इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम छोटे छोटे जो इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम कैसे इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाते हैं विथ प्रोटोटाइपिंग एंड एनिमेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इंटरैक्टिव टैब्स एनिमेशन करके एक फाइल लेके रखा हुआ है। तो हमें क्या करना है कि सिंपली जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था, तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें पहले तो दो टैब्स क्रिएट करने होंगे या उससे ज्यादा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है। तो जितने भी टैब्स आपको चाहिए वो पहले तो क्रिएट करने होंगे। तो टैब्स की प्रोसेस क्या होने वाली है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी एक टैक्स लेना है। तो मैं अभी के लिए टैब वन करके एक टैक्स ले लेता हूँ। इसके फॉन्ट अभी के लिए मैं चेंज करके गिलरॉय कर दे रहा हूँ, और इसकी जो फॉन्ट साइज है उसको भी इंक्रीज कर दे रहा हूँ, और इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, नॉट दी बोल्ड, मीडियम कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा दिखे। नाउ जैसे कि मैंने बताया हमें टैब्स क्रिएट करने हैं। यदि हम टैब्स क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके स्टेप्स कुछ फॉलो करने पड़ेंगे। तो उस स्टेप्स में से पहला स्टेप है हमारा ऑटो लेआउट क्रिएट करना। देन हमारा सेकेंड स्टेप आता है कि इनएक्टिव टैब क्रिएट करें, एक एक्टिव टैब रखें। अभी के लिए हम दो टैब रखने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल होगा एक्टिव एंड देन सेकेंड होगा इनएक्टिव। देन हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा वो होगा कि उन दोनों को वेरिएंट में क्रिएट करें। देन आफ्टर हम उसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। तो पहला तो स्टेप हो गया हमारा ऑटो लेआउट, जो कि अभी मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो शिफ्ट ए प्रेस करके आप ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पैडिंग रख सकते हैं। अभी के लिए मैं 72 रख रहा हूँ ताकि जो भी मेरा टैब हो वो बड़ा दिखे, और जितनी भी हमें टेक्स्ट लगाने हैं, मतलब टेक्स्ट की विड्थ होगी ऑब्वियसली, वो हम लगा सके। और इसकी जो हाइट है वो 16 रख दे रहा हूँ ताकि हमें थोड़ा इजी हो जाए थोड़ी स्पेसिंग मैनेज करने में, राइट। और इसके कॉर्नर रेडियस अभी के लिए मैं 20 कर दे रहा हूँ। देन इसकी फील मैं दे देता हूँ, मतलब कि जो भी कलर मुझे चाहिए वो मैं दे देता हूँ। अभी के लिए मैं इसको ब्लू कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हमें पता भी चले कि हमारा एक्टिव टैब कौन सा होने वाला है और इनएक्टिव टैब कौन सा होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, जो कि था ऑटो लेआउट। अभी हमें क्या करना है, सिंपली पहले तो उसको हमारे कंपोनेंट में क्रिएट कर लेना है। आप यदि शॉर्टकट यूज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। देन हमारा सेकंड वेरिएंट हमें क्रिएट करना है जो कि इनएक्टिव होगा। अभी के लिए मैं इसको एक्टिव टैब करके नेम दे देता हूँ तो हमें पता चले। देन हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाना है, राइट साइड पे आप पैनल में देख सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आपके पास वेरिएंट का ऑप्शन आ जाएगा जो आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप वेरिएंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको प्लस साइन मिल जाएगा, ऐड वेरिएंट कर सकते हैं। देन ऐड वेरिएंट करके मैं यहाँ पे दूसरा टैब ले लेता हूँ जो कि है इनएक्टिव टैब। तो ये हो गया हमारा इनएक्टिव टैब। अभी इनएक्टिव टैब के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक ऐसा दिखाना पड़ेगा कि लेट्स से पहले तो मैं इसको सेंटर अलाइन कर दे रहा हूँ, और जितना भी हमारा कोई भी टैब होगा वो सेंटर अलाइन ही सब कुछ रहेगा। तो ये चीज़ें हो गई हमारी इनएक्टिव टैब की। देन हमारे दो टैब्स रेडी हो गए। हमें क्या करना है, सिंपली इनएक्टिव टैब का थोड़ा सा कलर चेंज करना है ताकि हमें पता चले कि ये इनएक्टिव है। तो अभी के लिए आप कोई भी रख सकते हैं, थोड़ा सा म्यूटेड कलर आप ले सकते हैं ताकि आपको पता भी रहे कि ये इनएक्टिव है। तो थोड़ा सा डल और डार्क कलर मैंने यहाँ पे रख लिया है। तो हमारे दो टैब्स रेडी हो गए। नाउ हमें क्या करना है कि असेट्स में जाना है, लेफ्ट साइड लेयर पैनल के बाजू में, और इसको जो लोकल कंपोनेंट है उसको यहाँ पे लेके आना है, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इजीली। देन आपको इसको डुप्लीकेट करना है और इसको यहाँ पे आपको ड्रैग करके सिंपली इसके बीच की स्पेसिंग जितनी भी रखनी है वो आप रख सकते हैं अभी के लिए। तो अभी मैं इन दोनों को पहले तो नाम दे देता हूँ। तो ये पहला तो होगा एक्टिव टैब, ओके, एंड देन सेकेंड होगा हमारा इनएक्टिव टैब। तो ये दोनों टैब्स के मैंने नेम दे दिए। और यहाँ पे टैब जैसे कि मैंने बताया असेट्स में जाके आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करके अगेन आपको ऑटो लेआउट में क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा जो सब कंटेंट आएगा विथ टैग्स एंड पैराग्राफ एंड ऑल थिंग, तो उसके साथ हमारा टैब्स मैच हो जाए और उसके साथ हमारी जो भी स्पेसिंग हमें लगानी है वो लगा सके। तो वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा कि वो कैसे वर्क करता है। तो अभी के लिए मैं शिफ्ट ए प्रेस करके इन दोनों को अगेन एक ऑटो लेआउट में डाल देता हूँ। देन क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अगेन आपको जितनी भी स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चाहिए वो आपको रख देनी है, और सेकेंड टैब को आपको एक्टिव की जगह इनएक्टिव कर देना है। तो हमारा हो गया है डन। एंड फ्रेम 3 को
अभी के लिए मैं ऊपर से मतलब टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट जो भी है वो 20 कर दे रहा हूँ और इसकी दोनों साइड से 20 कर देता हूँ, मतलब कि स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल भी 20 वर्टिकल भी 20। एंड इसका अभी फील हम कर देते हैं इनएक्टिव टैब की तरह जो भी हमारा था। तो क्या हो गया कि हमारा जो एक्टिव टैब है वो तो हाईलाइटेड ही है, तो इनएक्टिव टैब अभी के लिए हाईलाइट नहीं हो रहा। व्हाई? बिकॉज उसके सेम कलर का फील हमने फ्रेम 3 को अप्लाई कर दिया, मतलब कि जो हमारा ऑटो लेआउट है, राइट? देन हमें क्या करना है, सिंपली एक टेक्स्ट मतलब कि एक फ्रेम लेना है, या फ्रेम नहीं लेना है तो अभी के लिए मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ कोई भी, फर्स्ट डॉट करके टैब 1। ओके, तो टैब 1 टेक्स्ट डाल देता हूँ ताकि हमें पता चले कि कौन से टैब है। तो अभी के लिए मैं इसको अलाइन कर दे रहा हूँ इसके साथ, मतलब कि जो भी हमारा टैब है उसके साथ। देन हमारा सब टेक्स्ट होगा उसके साथ और वो हम अपने हिसाब से ले सकते हैं कोई भी। अभी के लिए मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है तो वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो इसको यहाँ पे छोटा करके रख दूंगा। 18, 17, 16 विल बी गुड। तो अभी के लिए मैं इसकी लाइन हाइट भी ऐड कर दे रहा हूँ, ज़्यादा कर दे रहा हूँ ताकि हमारा थोड़ा कंटेंट है वो अच्छा दिखे। देन इनके बीच की स्पेसिंग भी मैं थोड़ी बढ़ा दे रहा हूँ और इसकी ओपेसिटी अभी के लिए मैं 50% कर रहा हूँ। नाउ इन दोनों को अगेन सिलेक्ट करना है और शिफ्ट ए प्रेस करके इसको ऑटो लेआउट में लेके आना है। जैसे ही हमारा ऑटो लेआउट आ जाएगा इसके ऊपर फील अप्लाई करना है और इन फील को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हमें इसको इसके साथ अटैच कर देना है, मतलब कि स्पेसिंग नहीं रखनी है और इन दोनों के बीच की स्पेसिंग हमें यहाँ से मैनेज करके हमारे जो डिजाइन है उसके साथ मैच करनी है। तो ये हो गया हमारा कुछ कंपोनेंट एंड इसके वर्टिकल स्पेसिंग भी मैं बढ़ा देता हूँ जो हमारा फ्रेम 4th है, मतलब कि जो हमारा टेक्स्ट वाला कंटेंट रहे। और इसके जो बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट कॉर्नर है उसके भी सेम कर दे रहा हूँ जैसे कि हमने टॉप राइट और टॉप लेफ्ट में किए हुए। और इसके जो टेक्स्ट है उसके अभी के लिए कलर में चेंज कर दे रहा हूँ ताकि दिखे। तो ये हो गया हमारा कुछ यहाँ पे टेक्स्ट का डन। तो अभी के लिए मैं इसकी स्पेसिंग और बढ़ा दे रहा हूँ और इसके जो 16 है वो थोड़ी कम कर दे रहा हूँ ताकि अच्छा सा लगे। तो ये हो गया हमारा कुछ टैब्स रेडी। तो इसमें क्विकली हम देख लेते हैं रिकैप की कैसे किया है। पहले तो 2 टैब्स क्रिएट किए, देन उसके कंपोनेंट्स क्रिएट किए, देन उसके वेरिएंट्स क्रिएट किए, एक इनएक्टिव टैब है और एक एक्टिव टैब है। देन हमें उसको इंटरएक्टिव कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए उन दोनों को सिलेक्ट कर अगेन एक ऑटो लेआउट क्रिएट किया है, देन एक ऑटो लेआउट क्रिएट किया है हमारे टेक्स्ट के लिए, मतलब कि कंटेंट के लिए। तो इन दोनों को अभी के लिए सिलेक्ट करते हैं हम, मतलब कि फ्रेम 3rd एंड फ्रेम 4th, और अगेन उन दोनों को शिफ्ट ए प्रेस करके हम ऑटो लेआउट में लेके आ जाएंगे। तो अभी हमारा फाइनल कार्ड रेडी हो गया है जो हमें चाहिए था। तो अभी के लिए मैं कार्ड नेम दे रहा हूँ और सिंपली हमें इसको अगेन एक कंपोनेंट क्रिएट करना है एंड उसको अगेन वही चीज़ रिपीट करनी है जो हमने टैब्स के साथ की थी। तो प्रॉपर्टीज़ में जाना है, वेरिएंट क्रिएट करना है, ऐड वेरिएंट करना है और अभी के लिए हमें सिर्फ स्विचिंग करनी है, मतलब कि इनएक्टिव टैब हो जाएगा एक्टिव 1, मतलब कि इसको हमें यहाँ पे एक्टिव कर देना है और एक्टिव वाला हो जाएगा इनएक्टिव। अभी के लिए हम यहाँ पे टैब के नेम चेंज कर देते हैं टैब 1 देन टैब 2। ओके, तो ये हो गए हमारे कुछ टैब 1 टैब 2। तो हमारा इंटरएक्टिव कंपोनेंट का पूरा कार्ड रेडी हो गया है। अभी हमारा जो मेन पॉइंट है वो है प्रोटोटाइपिंग। तो प्रोटोटाइपिंग कैसे होगा, अभी के लिए मैं इसके भी टैग्स थोड़े से चेंज कर लेता हूँ। ओके, सो ये हो गए हमारे नंबर 2 पे अभी के लिए। देन इसके हम थोड़े से टैग्स कम कर देते हैं ताकि जो भी चेंज हो वो हमें दिखे। तो ये हो गए हमारे टैब्स रेडी। नाउ कमिंग टू द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में आपको क्या करना है, टैब 2 पे सिलेक्ट करना है, एरो ड्रैग करना है और चेंज 2 करना है एंड इंस्टेंट की जगह स्मार्ट एनिमेट, ईज आउट की जगह ईज इन एंड आउट एंड 300 माइक्रो सेकेंड। सेम विद द टैब 1, आपको सिंपली एरो ड्रैग करना है, वो अगेन वो रेप्लीकेट कर लेगा जो भी आपने प्रीवियस वैल्यू डाली हुई है। ओके, सो ये हो गया हमारा प्रोटोटाइपिंग भी डन। अभी के लिए मैं एक फ्रेम ले लेता हूँ। देन हमारा जो भी इंटरएक्टिव कंपोनेंट है वो लोकल कंपोनेंट असेट्स में, लोकल कंपोनेंट्स में जाके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देन मैं इसको अभी के लिए कलर चेंज करके थोड़ा सा ग्रे कर देता हूँ ताकि हमें दिखे कि कैसा हमारा एनिमेशन हुआ है।
तो अभी के लिए मैं फ्रेम 5 को सिलेक्ट करता हूँ और प्ले करता हूँ, तो देखते हैं कि हमारा इंटरैक्टिव टैब एनिमेशन कैसा दिख रहा है। तो पहले तो मैं इसको फिल स्क्रीन कर दे रहा हूँ। अब मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपना कंटेंट इसमें डाल के कैसे इजीली इसको एनिमेट करवा सकते हैं। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड इफ यू रियली लाइक दिस कॉन्टेंट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।